देखा कभी नहीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे। वेल, आज हमारा फिफ्थ डे है और आज हम फाइनली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। हम ब्रैम्पटन में जो है वो रुकने वाले हैं आज, और वहीं वहीं पर हम होंगे। सो अभी जो है वो 10 बज रहे हैं सुबह के, और मैं नाश्ते के बाद दोबारा सो के उठ गई हूँ। इतनी नींद आती है गाड़ी में, इतनी नींद आती है, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। तो खैर, आज भी टेम्परेचर जो है वो लो ही है, -22 है इस टाइम, लेकिन ये है कि अफाका है पिछली जगह से। सो बस आज हम फाइनली अपने एयरबीएनबी पहुंचेंगे, और आज हम बहुत थक चुके हैं। पहले दिन आप ठीक होते हैं, फिर आहिस्ता 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 ना, आज बैंड बज गई है बिल्कुल। तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, तो बॉडी कह रही है बस करो। बहुत हो गई। हाँ, बहुत हो गई है। शाम बिल्कुल अंधेरे में है। हाँ, तो आज का भी हमारा ट्रैवल जो है वो ऑलमोस्ट 8 घंटे का ही है। इशू ये है कि यहाँ पे जो हाईवे है उसके ऊपर स्पीड लिमिट बहुत कम है, लाइक 90 है, तो उस वजह से आप स्लो हो जाते हैं, वरना आज डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। वही डिस्टेंस जो अल्बर्टा में 6 घंटे में होता था, वो ओंटारियो के अंदर कम से कम 8 घंटे में हो रहा है। हाँ जी, तो फिर ये मसला है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। खैर चले, देखते हैं कैसा गुजरता है आज का सफ़र, आपको अपडेटेड रखेंगे। और बस गाइज, वेलकम टू द प्रेजेंट। सो हमारे पास डे 5 की बहुत सारी वीडियो नहीं पड़ी हुई थी। एक्चुअली बस यही वीडियो है जो आप देखेंगे, बल्कि आपको समझ आ जाएगी कि डे 5 की हमने क्या वीडियो रिकॉर्ड की थी। रीजंस बीइंग, नंबर 1 तो ये था कि वी वर रियली टायर्ड। ठीक है, उसामा पूरे 5 दिन ड्राइव करते रहे हैं, बिकॉज रोड कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि मैं एज अ न्यू ड्राइवर जो है उन पर ड्राइव कर सकती। प्लस टाइम कंस्ट्रेंट्स भी थे हमारे पास कि मतलब हमें जो 8 घंटे का ट्रैवल था वो कोशिश करनी थी कि 8 घंटे में ही ख़त्म हो, तो उस वजह से अगर मैं ड्राइव करती तो हम स्लो डाउन हो जाते, तो वो रिस्क हम नहीं ले सकते थे। तो इसलिए उसामा 5 दिन ड्राइव करते रहे मुसलसल, एंड ही वॉज रियली टायर्ड। और उसके अलावा ऑब्वियसली सफ़र में बेशक मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उस सफ़र में मैं बहुत थक गई थी, और प्लस रेपिटेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा अगर मैं वही गाड़ी में बैठे हुए हम क्या कर रहे हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फारिग बैठी हुई थी डे 5 पे, क्योंकि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, तो फिर भी रेपिटेशन हो जाती है। तो इसलिए डे 5 में हमने गाड़ी के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। प्लस हम अगर आपको अपडेट दूँ उस दिन की, तो ये था कि ट्रैवल जो है वो अच्छा गुजर गया था हमारा। एक पॉइंट पे आने के बाद लाइक जो हाईवे थी उसकी स्पीड लिमिट भी इंक्रीज़ हो गई थी, दैट हेल्प एज वेल। तो लाइक ट्रैवल जो है वो हमारा टाइम से कंप्लीट हो गया था। प्लस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस हो रही थी, बिल्कुल वैसी सिचुएशन या वैसी फीलिंग्स थी आप कह सकते हैं जैसे हमें कैनेडा आते हुए थी, कि लाइक एक्साइटमेंट भी होती है आपको, आप एक नई जगह पर आए हैं, आप नर्वस भी होते हैं कि लाइक फ्यूचर कैसा होगा आपका एंड एवरीथिंग। सो वो सारी मिक्स फीलिंग्स जो हैं वो आ रही थी उस दिन। प्लस हम काफ़ी टाइम से पहुंच गए थे, ठीक है, लेकिन आपने पिछले ब्लॉग में हमारी गाड़ी देखी होगी, क्योंकि हमने बर्फ़ में ट्रैवल किया था, और यहाँ पर ओंटारियो में जो है वो बर्फ़ के लिए जो है वो नमक डालते हैं ताकि वो थोड़ी पिघल जाए या कुछ, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो वी थॉट कि क्योंकि हमारे पास टाइम है, लेट्स जस्ट गो एंड गेट आवर कार वॉश्ड। तो हम कार वॉश पे गए, एंड हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमें वहाँ पे 1.5-2 घंटे लगे लाइन में वेट करने में। बहुत ज़्यादा बिजी थी जगह, प्लस उसी दिन हमने आके अपना जो करंट अपार्टमेंट है उसको भी बाहर से विज़िट किया, एरिया वगैरह देखा कि यहाँ पर क्या क्या है एंड ऑल दैट। लाइक हमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, हमने जो ये घर फाइनल किया था वो हमने पहले देख कर नहीं किया था, लाइक हमने वीडियो पे ही इसको देखा था, फिर हमें बाहर की लोकेलिटी वगैरह देखनी थी, तो हम यहाँ पर आके बाहर से होकर चले गए थे। सो उसके बाद आ जाता है टाइम के रात हो गई थी और हमें एयरबीएनबी जाना था, एंड दैट स्टोरी इज़ एक्चुअली रियली रियली इंटरेस्टिंग। हुआ ये हमारे साथ कि हमने जो एयरबीएनबी बुक कराया था हम काफ़ी पहले करा चुके थे, हम बड़ी तसल्ली में थी कि ठीक है हमारा एयरबीएनबी बुक्ड है, और वी वर वेटिंग कि हम 5 दिनों के बाद जो है जब सुकून से लाइक बैठेंगे तो हम एयरबीएनबी में रिलैक्स करेंगे। टू आवर सरप्राइज, जैसे हम एयरबीएनबी में पहुँचे,
फर्स्ट ऑफ ऑल एक हर जगह की जो होती है ना एक फील होती है, तो उस जगह की फील जो है वो कुछ नहीं आई हमें, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मतलब आप ओवरकम कर लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत है, आप खुद को दिलासा दे लेते हैं। तो हम दोनों जो हैं वो लाइक यूँ होता है कि जैसे भी जैसे हम होटल में रात को स्टे कर रहे थे, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वॉज गेट रिलैक्स, ठीक है, कपड़े चेंज करके लाइक आराम से तसल्ली से बैठना, वो हम करते थे जब भी कहीं हम होटल में रुके हैं, एंड अब तक कहीं भी हम एयरबीएनबी में रुके हैं, तो दैट वाज आवर थिंग। तो लेकिन यहाँ आने के बाद लाइक कपड़े चेंज करने का या लाइक कोजी होने का वो मतलब कोई मूड नहीं बन रहा था, लेकिन हम एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि खैर है दो ही हफ्ते हमने एयरबीएनबी में गुजारने हैं तो इट्स ओके। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि एयरबीएनबी था कैसा। तो इट वॉज अ न्यू बेसमेंट, ठीक है, दैट वॉज अ प्लस पॉइंट, दैट वॉज द ओनली प्लस पॉइंट एक्चुअली। न्यूली बिल्ट बेसमेंट थी और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे थी, लाइक जो लोकेलिटी थी या जो नेबरहुड था वो बहुत ज़्यादा पोश लग रहा था, लेकिन उन्होंने एयरबीएनबी बना तो दिया था बेसमेंट को, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जो मेरे ख्याल से जो घर में फर्नीचर एक्स्ट्रा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ये सोफ़ा नहीं चाहिए, तो बजाय सेल करने के उन्होंने कहा चलो बेसमेंट में काम रख देते हैं, ठीक है, तो उस तरह उन्होंने जुगाड़ ही किया हुआ था यूँ समझें। जो जितने भी एयरबीएनबीज में हम आज तक रुके हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन होते हैं, वो उस जगह को प्रॉपरली घर की तरह बनाते हैं, उसमें चीज़ें होती हैं जैसे लैंप्स वगैरह रखे होते हैं, कोई टेबल्स रखे होते हैं, कोई अच्छा सा सोफ़ा रखा होता है, भले बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता लेकिन उन्हें कोशिश की होती है कि जगह प्यारी लगे, खूबसूरत लगे, रहने के काबिल लगे। यहाँ एंटर होते ही आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे बस एक खाली जगह पे उन्होंने एक बेड, एक सोफ़ा, एक टीवी रख दिया है आपको, तो लाइक वो फील नहीं आई, ठीक है। अब उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, सब कुछ हो गया था, हमने खाना ऑर्डर किया, हमारे साथ वो भी बड़ी बुरी हुई, हमारा जो खाना डिलीवर हुआ मैं हालांकि हमने स्किप द डिशेस से ऑर्डर किया था और वो जो है खाना बाहर रख के साहब खुद चले गए और हमें सिर्फ नोटिफिकेशन आई डिलीवरी की कि आपका खाना डिलीवर हो गया है, हमें कोई डिलीवर नहीं हुआ था, और वो डिलीवरी की नोटिफिकेशन भी हमें कोई 5-10 मिनट के बाद आई जब वो बंदा चला गया था और खाना वो बाहर दरवाजे पे रख गया था बर्फ़ के अंदर। तो हमारा खाना भी ठंडा हो गया, कुछ टेस्ट भी अच्छा नहीं आया, कुछ हम भी टेंशन में थे, कुछ थके हुए भी थे। तो इस दौरान में आई जस्ट वेंट टू लाइक वॉश माई हैंड्स, क्योंकि हम सारे दिन के बाद आए थे, तो वॉशरूम जाने के बाद मुझे जो शौक लगा, एक्चुअली मतलब हर चीज़ थोड़ी गंदी लग ही रही थी लेकिन मैंने गौर जो है ना वो तब किया था, मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा था कि घर में कोई सफाई नहीं हुई है, सिंक में बाल पड़े हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने शेयर करनी थी, बट देन आई थॉट कि मे बी नॉट एवरीवन वुड लाइक टू सी दैट वीडियो, इसलिए कि थोड़ी लाइक गंदी हो जाती है, डिस्गस्टिंग होती है, तो नॉट एवरीवन वुड लाइक टू सी ऑल दैट गंद। ऑल्दो बहुत ज़्यादा गंद नहीं था बट स्टिल इट्स अ लॉट, ठीक है, आप एक जगह पर जाते हैं उसको पे करते हैं, एयरबीएनबी में क्लीनिंग फ़ी शामिल होती है, आप क्लीनिंग फ़ी पे करते हैं उनको, तो इसलिए पे करते हैं दैट दे मेक श्योर कि आप जब आएंगे तो जगह आपको साफ़ सुथरी मिलेगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ों पे हम लाइक कर रहे थे लेकिन ये सफाई जो है वो यहाँ आके हमने कहा कि अगर हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो लापरवाही दिखाई है तो आगे दो हफ्ते गुजारने हमारे लिए फीजिबल नहीं है। सो हमने उनको शिकायत की, उनको दिखाया बुला के, उन्होंने आके जगह देखी, उन्होंने कहा कि नहीं वाकई ये गंदी है, लाइक जो खाने की डाइनिंग टेबल थी वो भी साफ़ नहीं थी, वो ग्लास के ऊपर बहुत सारे निशान और ऐसे अलमारियों में जो है वो खाना स्पिल हुआ हुआ था, उसकी सफाई नहीं हुई थी, फ्रिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ था और लाइक हर जगह गंद, जैसे कोई चीज़ कोई जूस वगैरह गिर जाता है या कोई सब्ज़ी वगैरह रखते हैं उससे कोई निशान वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो कुछ भी सफाई नहीं हुई हुई थी। बेड की अगर बात करें तो बेड देखने में तो साफ़ लग रहा था और लाइक लग रहा था कि बेडशीट्स वगैरह सेट हुई हुई थी, बट कंसिडरिंग कि बाकी घर की सफाई कैसी थी, मैंने उसामा को बताया कि मैं बेड में नहीं घुसती, कुछ भी हो जाए हम होटल चलते हैं, एंड हम होटल तो चले जाते लेकिन सबसे पहले हमें इशू ये सॉल्व करना था कि इस एयरबीएनबी का क्या करना है, क्योंकि ये फुली पेड था 2 वीक्स के लिए। तो जब हमने बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि आप क्लेम डाल दें एयरबीएनबी पे, मैं आपको जो है वो रिटर्न कर दूंगा फुल। वो चीज़ हो गई, फिर हमने होटल ढूंढा उसी वक्त बैठ के इसी हड़बड़ी में, ये सारी सिचुएशन के दौरान हम साथ साथ में खाना खा रहे थे,
तो फिर हम होटल गए, हमें करीब में ही होटल मिल गया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। हम लोगों ने अब होटल जाके भी हमने थोड़ी सी अब फिर अक्कल लगाई कि होटल ऐसा होना चाहिए कि हम देख सकें कि हम यहाँ अगले 2-3 हफ्ते रह सकते हैं, ठीक है। तो हम गए, हमने टेस्ट किया क्योंकि हमें पता नहीं था कि होटल कैसा होगा। वहाँ पे फिर पहले हमने कमरा चेक किया कि रहने के काबिल है, सब कुछ ठीक ठाक है। जब हमारी तसल्ली हो गई फिर हमने जाके उनसे डिस्कस किया कि ऐसी सिचुएशन है हमारे साथ, तो आप हमें कितनी कोई अच्छी ऑफर जो है वो दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ लाइक नेगोशिएट करें थोड़ा सा। देवर नाइस इनफ, उन्होंने हमें थोड़ा डिस्काउंट दिया एंड $90 पर नाइट के हिसाब से उन्होंने फिर हमें रूम दिया, विच वी बुक फॉर आई थिंक 20 days, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन वहाँ पे हमारा स्टे काफ़ी अच्छा गुजरा, लाइक आई रियली एंजॉयड माई टाइम देयर। ये हमारी 5th day की स्टोरी थी और बस यही सब कुछ था। काफ़ी इवेंटफुल दिन था, मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती इसको, आई एम रियली सॉरी, आई शुड हैव रिकॉर्डेड दिस, लाइक काफ़ी अच्छी वीडियो बन सकती थी इस पर, बट यू कैन नॉट इवन इमेजिन के 4 दिन के ट्रैवल के बाद, लाइक 5 दिन के ट्रैवल के बाद इंसान की क्या हालत होती है, और फिर उसके ऊपर से बंदे को ऐसा शौक मिले तो बंदा बिल्कुल दिमाग से आउट हो जाता है। तो आई वॉज रियली 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 फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करेंगे, और मुझे बस दिल कर रहा था हम वापस क्यों नहीं चले जाते गैलरी, लाइक ऐसा ऐसा नहीं सोचते आप जो है ना किसी जगह पर जाके। तो मेरा दिमाग बिल्कुल आउट था उस दिन। खैर सब कुछ अच्छा हो गया, अब आप आगे चलें हमारे होटल रूम का टूर देखें। और खाने का अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास माइक्रोवेव था और हमारे पास फ्रिज भी दिया हुआ था। तो व्हाट वी डिड वाज, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड था, तो हमने लंच और डिनर के लिए ये सिचुएशन की हुई थी कि हम जो मील सर्विसेज हैं, एक हलाल मील्स के नाम से और एक थी सादिया टिफिन सर्विस के नाम से, हमने वहाँ से जो है वो लंच बॉक्सेस मंगवा लेते थे पूरे हफ्ते के, एंड देन वी वुड लाइक पूरे हफ्ते के नहीं, लाइक 5-6 दफ़ा मंगवा लिए, फिर 5-6 दफ़ा मंगवा लिए, तो इस तरह से हम मंगवा लेते थे, एंड दैट वाज द सिचुएशन खाने की। और अब चलते हैं आगे, बहुत बातें हो गई हैं। हेलो एवरीवन, सो टुडे इज 2nd of March और आज हमारा चेकआउट है इस होटल से, और अभी तक मैंने जो है इसका टूर नहीं बनाया था, सो लेट्स गिव यू अ टूर ऑफ द रूम बिफोर वी लीव इट। जस्ट अ हेड्स अप कि ये बहुत साफ सुथरी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऑलवेज। लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। ओके जनाब, सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस रूम, सॉरी दिस डोर। सो ये है एंट्रेंस, बेसिकली ये एक एक्सेसिबल रूम है, तो इसलिए इसकी एंट्रेंस जो है वो काफ़ी खुली है। और हमारे शूज़ पड़े हैं, ये हमारा कचरा पड़ा है, ये हमारी दवाइयाँ पड़ी हैं, ये हमारी लॉन्ड्री पड़ी है, सो इस वक्त काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। देन दिस इज़ द बाथरूम, देन अगेन मैंने कहा कि ये एक्सेसिबल रूम है तो इसलिए यहाँ पर आई थिंक वॉशरूम भी नॉर्मल वॉशरूम से ज़्यादा खुला होगा। ओके, यहाँ से बाहर चलते हैं तो ये आ जाता है आपका रूम, ये यहाँ पर अलमारी है आपकी, सो अलमारी में भी अगेन नीचे भी हैंगिंग है, ऊपर भी हैंगिंग है, तो व्हील चेयर पर अगर कोई है तो वो नीचे भी लटका सकता है। एंड दिस इज़ द बेड, मुझे इनका ये कवर इतना पसंद आया, लुक एट दिस, नथिंग टू फैंसी, जस्ट अ बेड। देन दिस इज द सोफा, लाइट, आपका एसी और हीटिंग यूनिट, आपकी वर्क टेबल, दिस इज योर टीवी, टीवी के नीचे माइक्रोवेव, साथ में फ्रिज, आपके ड्रॉर्स आ गए, एंड दैट्स ऑल, जस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड रूम। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर, इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं इसलिए जो है बाहर अंधेरा है फिलहाल, जो सामान नज़र आ रहे हैं आपको ये वीडियो में नहीं आना चाह रही थी। ओके सो दैट वॉज ऑल, सो अभी जो है हम सामान से पूछते हैं इसके रेट्स वगैरह। यस जी, हाँ जी, व्हाट्स द रेंट ऑफ दिस रूम? पैसे ज़्यादा था लेकिन नेगोशिएट करने के बाद हमें $90 पर नाइट मिला यहाँ पर। ओके, और हम यहाँ पर कितने अरसे से हैं? हम
हमने 16 नाइट्स के लिए बुकिंग कराई थी, आज हम एक दिन अर्ली चेकआउट कर रहे हैं, तो 15 नाइट्स, दो हफ्ते। ओके, यस, दैट्स ऑल। सो गाइज, That was all from our side. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.